नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। मित्र, कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी करने के लिए प्रश्न उत्तर। आज का पहला प्रश्न, कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक के लिए फुटबॉलरों की आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ए 24 साल, बी 27 साल, सी 18 साल, डी 21 साल। इसका आंसर होंगे 24 साल। मित्र, ये 23 साल तक के उम्र के अंडर-23 के खिलाड़ी ही भाग लेते हैं, लेकिन क्योंकि रद्द हो गया है कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए 24 साल कर दिया गया है। अगला प्रश्न, उड़ने वाले पक्षियों में इनमें से सबसे ऊंचे कद वाला कौन है? ए सारस, बी बगुला, सी शुतुरमुर्ग, डी मोर। इसके आंसर होंगे ए सारस। सारस सबसे लंबा होगा और उड़ने वाला भी, शुतुरमुर्ग उड़ने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, IFSC कोड कितने कैरेक्टर का होता है? ए 7, बी 9, सी 14, डी 11। इसका आंसर होंगे डी 11, 11 कैरेक्टर का होता है। अगला प्रश्न, जाइडस इनमें से किस क्षेत्र की कंपनी है? ए पेट्रोलियम, बी दवा, सी खाद, डी कृषि। आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके आंसर होंगे बी दवा। ये ऑडिशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, T20 इंटरनेशनल मैच में 100 विकेट और 1000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी महिला या पुरुष कौन है? पहली खिलाड़ी कौन है? ए एलिस पैरी, बी स्मृति मंधाना, सी बॉन स्टॉक्स, डी विराट कोहली। 100 विकेट लेने वाले T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट और 1000 रन बनाने वाली खिलाड़ी, पहली खिलाड़ी। मित्र, लाइक जरूर दीजिएगा वीडियो में। इसका आंसर होंगे एलिस पेरी। ये ऑस्ट्रेलिया की है, इन्होंने इंटरनेशनल 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 100 विकेट भी उनका हो गया है और 1000 रन भी हो गया है। एलिसा अलेक्जेंडर पेरी। इनसे संबंधित एक और क्वेश्चन दूंगा अगला वीडियो में, मैंने सेट कर दिए हैं, वो 1 करोड़ का क्वेश्चन हो सकता है, तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को कोरोना से लड़ने तथा भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो सचित्र पुस्तिका जारी किया गया है, उसका हीरो कौन है? ए छोटा भीम, बी चाचा चौधरी, सी बालवीर, डी एरियो। एक पुस्तिका जारी की गई है, इसका आंसर होंगे एरियो। 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मिलकर ये बनाया गया है, कॉमिक बुक है, इसका हीरो एरियो है। बुक का नाम है माय हीरो इज यू, हाउ किड्स कैन फाइट कोविड-19। अगला प्रश्न, सिंकोना पौधे के किस भाग से क्विनेन प्राप्त किया जाता है? ए तने की छाल, बी फूल, सी फल, डी पत्ती। तो क्विनाइन का उपयोग मलेरिया के दवा बनाने में किया जाता है और इसी से क्लोरोक्वीन और फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो कि लैब में भी बनाया जाता है। इसका आंसर होंगे तने की छाल। अगला प्रश्न, फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर शख्स कौन है? ए बिल गेट्स, बी वॉरेन बफेट, सी बर्नार्ड अर्नोल्ड, डी जेफ बेजोस। इसका आंसर होंगे जेफ बेजोस। अभी ताजा सूची जारी किया गया है, 34वीं सूची, रिचेस्ट अमीरों की सूची। प्रथम है जेफ बेजोस 113 अरब डॉलर के साथ, दूसरा बिल गेट्स 98 अरब डॉलर के साथ, तीसरा स्थान में है बर्नार्ड अर्नोल्ड 76 अरब डॉलर के साथ है, और चौथा वॉरेन बफे है 67.5 अरब डॉलर के साथ, पांचवा लैरी एलिसन है 59 अरब डॉलर के साथ, और 22वां स्थान जेब बेजोस की पूर्ण पत्नी मैकेंजी बेजोस का नाम भी है, 22वां स्थान में है और 36 अरब डॉलर के साथ है। हमारे भारतीय में मुकेश अंबानी 21वां स्थान है उनका, 45 अरब डॉलर के साथ। राधा कृष्ण दमानी जो डीमार्ट के संस्थापक है 78वें स्थान पर है। शिव नाडर 103वें स्थान पर है। उदय कोटक 129वें स्थान पर है। सुनील भारती मित्तल 197वें
स्थान पर। मित्र ये जो सीरियल नंबर इनका है पहला दूसरा तीसरा, ये केबीसी का जो फास्टेस्ट फिंगर फास्ट है इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नोट करके रखिएगा, हो सकता है मैं बाद में खुद मैं भूल जाऊँ या मैं ना वीडियो में दे सकूँ, तो इसको नोट करके रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी तक कितने भारतीय लड़कियों ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी है? A 4, B 5, C 6, D 7। इसके आंसर होंगे C 6। 6 लड़कियों ने मिस वर्ल्ड जीती थी, भारतीय लड़कियों ने। रीता फारिया 1966 में जीती है, ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में और मानुषी छिल्लर 2017 में। 1 2 3 4 5 6। तो मित्र इसका भी जो मैंने अभी कहा था फास्टेस्ट फिंगर फास्ट में, इसका भी एक प्रश्न बन जाएंगे, तो इसे भी नोट कर सकते हैं, लाइक जरूर दीजिएगा वीडियो में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेल सर्विस कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ था? ए बोरीबंदा टू थाने, बी रेड हिल्स टू चिंता ड्रिपट, सी विक्टोरिया टर्मिनस टू करला, डी राजा मुंद्री टू गोदावरी डैम। इसका आंसर अगर आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वीडियो को पॉज करके। इसका सही आंसर होंगे रेड हिल्स टू चिंद्रा चिंता द्रिपट। ये 1837 में फर्स्ट ट्रेन सर्विस, या ध्यान देना होगा वहाँ ट्रेन सर्विस जो शुरू किया गया था माल को ले जाने के लिए, और फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन अगर बोला जाए तब 1853 में बोरीबंदर टू थाने, 1853, यह ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ट्रेन सर्विस 1837 रेड हिल्स टू चिंता द्रिपट। विक्टोरिया टर्मिनस टू केरला में 1925 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न, महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट ODI कब शुरू हुआ था? 1973, 1992, 1996, 1975। मित्र अभी सबके मन में ही प्रश्न है कि केबीसी कब आएंगे। असल में हुआ सारा बिगड़ गया खेल कोरोना वायरस की वजह से, आप लोग देख ही रहे हैं, ऐसे हाल में तो शुरू नहीं हो सकता है। इसका आंसर है 1973। तो इंतजार करना होगा, तब तक तैयारी तो जारी रखना होगा कब ये कोरोना वायरस जाता है, और इंतजार करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न, हाल ही में खोजे गए घोंघे की नई प्रजाति का नाम इनमें से किनके नाम पर रखा गया है? ए मलाला यूसुफजई, बी ग्रेटा थनबर्ग, सी अभिजीत बनर्जी, डी नरेंद्र मोदी। इसका आंसर होंगे बी ग्रेटा थनबर्ग। मित्र ये मैंने पिछला वीडियो यानी 146वां जो वीडियो था उससे मैंने लिए है, इंपॉर्टेंट इसलिए दोबारा मैंने इसे ले लिए है। घोंघे की नई प्रजाति, इसका नाम क्रेस पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्गे इसका नाम है, इसे जरूर नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा। मित्र वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपना सोशल ग्रुप जो है सोशल व्हाट्सएप पे है और फेसबुक में है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के कैटलिना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई तैराक कौन है? ये साजन प्रकाश, बी संदीप सेजवाल, सी भक्ति शर्मा, डी सत्येंद्र सिंह लोहिया। इसके आंसर होंगे डी सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये भारतीय हैं और प्रथम एशियाई भी है, भारतीय भी है। इनमें 70% डिसेबिलिटी है। 2019 में कैटलिना चैनल पार किए थे जो कि 42 किलोमीटर है। 2018 में इंग्लिश चैनल भी पार कर चुके हैं, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश सरकार ने इनको अवार्ड दिए हैं, और भी बहुत सारे अवार्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम पर है। अगला प्रश्न, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के लिए जो हो गया, हमारे किस पड़ोसी देश के टीम के लिए आधिकारिक स्पॉन्सर के रूप में भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल ने करार किया था, यानी स्पॉन्सर किया था अमूल ने किस देश के टीम के लिए? ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। इसके आंसर होंगे ए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की टीम के लिए अमूल ने
स्पॉन्सर किया था 2019 के वर्ल्ड कप के लिए। कोई भी क्वेश्चन अगर केबीसी में पूछा गया हो या आपको लगता है कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सही मेल है? बहुत आसान सवाल है। ए असम शिलोंग, बी मेघालय कोहिमा, सी मिजोरम आइजोल, डी नागालैंड गुवाहाटी। तो असम का राजधानी शिलोंग तो नहीं है, मेघालय का राजधानी शिलोंग है, मेघालय का कोहिमा यानी कोहिमा नागालैंड का है, और सी मिजोरम आइजोल यानी ये सही है, सी आंसर सही होगा, मिजोरम आइजोल, नागालैंड गुवाहाटी, गुवाहाटी तो असम का है राजधानी है, तो इस प्रकार सी आंसर हो गया, मिजोरम आइजोल। इस तरह आप लोग इस तरह का याद रखिएगा, इस तरह का क्योंकि एबीसी में नए पैटर्न पे दे सकता है। तो मित्र, नए जो मित्र जुड़े हैं हमारे साथ उनके लिए तो दोस्तों, संदेश। अगर आप भी हमारे साथ केबीसी का तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। इसके लिए जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दे, और उसमें जो ऑल नोटिफिकेशन है सबसे ऊपर वाला घंटी, उसको भी प्रेस कर दे, जरूरी है। तो इससे हमारे वीडियो आप तक फ्री में पहुंचते रहेंगे, और तैयारी करते रहे केबीसी का। धन्यवाद।